बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है जो नाम पिता ने कमाया है वो उनके बेटे नहीं कमा पाए। दिवंगत सुपरस्टार देवानंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिवंगत सुपरस्टार अभिनेता देवानंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का जन्म 30 जून 1956 को हुआ। सुनील आनंद यूं तो काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय वॉशिंगटन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। हालांकि उन्होंने बिजनेस के साथ साथ अपने पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने की राह पर भी निकले थे। बेटे के इस सपने को पूरा करने के लिए देवानंद भी कई बार उनका साथ निभा चुके थे, फिर भी सुनील का एक्टिंग करियर फ्लॉप ही रहा। सुनील आनंद ने साल 1984 में आई फिल्म आनंद और आनंद से बॉलीवुड में कदम रखा था। बता दें कि इस फिल्म में सुनील के साथ उनके पिता देवानंद भी लीड रोल में थे। ये पहली बार था जब पिता और बेटे को साथ किसी फिल्म में आमने सामने देखा गया था। इस फिल्म को देवानंद ने ही डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी, मगर अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। देवानंद का स्टारडम ने उनके बेटे सुनील के डेब्यू को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। इसके बाद सुनील ने समीर मलकान की फिल्म कार थीफ में काम किया। इस फिल्म में विजेता पंडित सुनील के ऑपोजिट में दिखाई गई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। सुनील की लगातार दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, तो अपने बेटे के करियर को बचाने के लिए देवानंद ने एक बार फिर से रिस्क लिया। इस बार उन्होंने अपने बड़े भाई विजय आनंद के साथ अपने बेटे के करियर को बचाने के लिए फिल्म बनाई थी जिसका नाम मैं तेरे लिए था। ये फिल्म 1988 को रिलीज हुई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, सुनील आनंद, मीनाक्षी शेषाद्री ने लीड रोल प्ले किया। हालांकि अफसोस, इस फिल्म के गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये सुनील की तीसरी फिल्म थी जो कि फ्लॉप साबित हुई। सुनील को उनकी आखिरी और चौथी फिल्म बतौर एक्टर साल 2001 में रिलीज हुई मास्टर में देखा गया था। इस फिल्म को खुद सुनील ने डायरेक्ट किया था। हालांकि अफसोस, ये फिल्म उनकी किस्मत को नहीं चमका पाई। ये आनंद परिवार के लिए हैरानी की बात थी। ऐसे में धीरे धीरे सुनील डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया की तरफ रुख करने लगे और एक्टिंग से दूर होते चले गए। जब बतौर एक्टर बात नहीं बनी तो बतौर प्रोड्यूसर फिल्मों से वो जुड़ गए और एक्टिंग को छोड़कर नवकेतन फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को संभालने लगे। सुनील कई सालों से लाइमलाइट से दूर हैं और अब तो उनका लुक भी काफी बदल गया है। 66 साल के हो चुके सुनील अब पहचान में भी नहीं आते हैं और दोस्तों, उन्होंने अब जिस भी तरफ रुख किया है उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बने, तो ऐसे ही हीरो का बेटा हीरो ही बने। हो सकता है उसकी लोकप्रियता और हुनर किसी और चीज में निखर कर आए। कुछ ऐसा ही हाल सुनील आनंद का भी था। आप भी किसी को जानते हैं जो हीरो या हीरोइन के बेटे या बेटी तो थे लेकिन उनकी किस्मत बॉलीवुड इंडस्ट्री में चमक नहीं पाई? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।